नमस्कार, ग्रो इंडिगो की कार्बन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारी कक्षा में हमारी चर्चा का विषय है, हमारे आसपास कार्बन किन स्वरूपों में मौजूद है। कार्बन मिट्टी के भीतर विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में पाया जा सकता है। यह पानी में घुला हुआ या खनिजों से मिला हुआ भी पाया जा सकता है और यह विभिन्न रूपों में अलग अलग व्यवहार करते हैं और अंततः पौधे की वृद्धि, मिट्टी की संरचना पर बहुत अलग प्रभाव डालते हैं। इसके उपरांत फसलों का लगभग हर भाग कार्बन से बना होता है। पत्तियां फसल के लिए भोजन बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जड़ें मिट्टी से कार्बन को सोखती हैं, जिसका उपयोग पत्तियां द्वारा भोजन बनाने के लिए किया जाता है और यह भोजन कार्बन के रूप में पौधे जमा करते हैं। तो रह गए ना आप भी अचंभित कि कार्बन के कितने स्वरूप हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई आपसे इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं। कार्बन हर एक चीज में पाया जाता है, पशुओं में, पक्षियों में, इंसान के जीवित शरीर में पाया जाता है और इसको मान लो हर एक चीजों कार्बन की मात्रा होती है। यह थे हमारे किसान भाई, जिन्होंने आपसे अपना कार्बन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया। धन्यवाद किसान भाई। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आपके लिए लाभकारी रही होगी। आप हमें अपने सुझाव व समस्याएं जरूर भेजें ताकि हम उनका समय पर निवारण कर सकें और आपको हमारी कार्बन कक्षा का भरपूर लाभ मिल सके। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए कृषि संबंधी ज्ञानवर्धक बातों के लिए। धन्यवाद। आर्थिक लाभ के साथ करें पर्यावरण संरक्षण, ग्रो इंडिगो की कार्बन योजना के संग। संपर्क करें 7065005111।